अस्सलाम वालेकुम और हेलो एवरीवन। आज आपको बताऊंगा अगर आपने फ़लस्तीन विज़िट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है वीज़े का। अगर तो आपके पास कोई ब्रिटिश या यूरोपियन पासपोर्ट है तो फिर तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। आप सीधा या टेल अवीव एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम आए थे वाया जॉर्डन, तो उधर से आपको बताऊँगा क्या सिलसिला है। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैंने जो एम्बेसी थी इसराइल की लंदन में, उन्हें कॉल की तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो उसने मुझे कहा कि झूठ है ये, वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानी नेशनल्स को हम नहीं देते। अगर आपके पास ब्रिटिश या यूरोपियन पासपोर्ट आपको मिल जाता है। पर जब मैंने इधर जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, किंग हुसैन ब्रिज क्रॉसिंग, एलन बाय ब्रिज भी उसे कहते हैं, जब मैंने उधर इमिग्रेशन ऑफिसर को पूछा कि अगर इधर पाकिस्तानी नेशनल्स को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो उसने कहा था जी हम दे देते हैं। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर बेहतर होगा कि आप उधर से वीज़ा लेके आएँ जिस भी आप कंट्री में हैं। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ इसराइल की एम्बेसी है, जैसे लंदन में है यूके में, तो आप सारे वो इसराइल की वेबसाइट पर लिखा होता है क्या क्या चाहिए, वेज स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, काम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप वो फिल आउट करें, फिर पोस्टल ऑर्डर है मेरे ख्याल से £27.50 है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें पोस्ट आउट करें फर्स्ट क्लास, वो साथ रीपोस्ट के लिए अंदर एक एनवलप डाल दें जिससे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पोस्ट आउट बैक कर दें, तो तकरीबन एक महीने में वो आपको वीज़ा लगा देंगे अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो वीज़ा लगा के वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रीसेंड कर देंगे अगर आपने प्रीपेड एनवलप डाला हुआ है। और कम्युनिकेशन भी काफ़ी ठीक है इसराइली एम्बेसी की। आप ईमेल करें, वो फ़ौरन एक दो घंटे में जवाब देंगे। पेमेंट का कोई मसला है, वो फिर भी आपको कॉल कर लेते हैं कि ये आपका कार्ड थ्रू नहीं हो रहा, कोई और कार्ड डिटेल्स हमें दें। और अगर आप उन्हें बताएँगे कि आप 7 दिन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको 7 दिन का वीज़ा देंगे। अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो जैसे हमें मिला था, मेरे ख्याल से 1 महीने का वीज़ा मिला था ऑन अराइवल, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को अगर आप लंदन से लगवाएंगे उतना ही वीज़ा देंगे जितने दिन आप उन्हें कह रहे हैं। तो बेहतर यही है, जैसे यूएई में भी है इसराइली एम्बेसी, बाकी कंट्रीज़ में भी अभी है, तो आप उधर से ही वीज़ा ले कर आएँ ताकि बॉर्डर पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम अमान से आए, अमान से सुबह बसेज भी आती हैं सीधा किंग हुसैन ब्रिज क्रॉसिंग पर। तो आप जब आप उस ब्रिज पर आते हैं, तो पहले आपके आपको 10 दिनार पर पर्सन देना पड़ता है एग्ज़िट फ़ी, वो देंगे उधर, वो आपके पासपोर्ट देखेंगे, फिर आपको वो टिकट्स देते हैं, फिर आपके बैग्स वगैरह स्कैन होते हैं सारे, फिर आपकी बस की टिकट है, बस की है 7 दिनार पर पर्सन बस की टिकट है, और मेरे ख्याल से 1.5 दिनार है वन पीस ऑफ लगेज की फ़ीस। तो बस में आप बैठेंगे, बस जब तक भर नहीं जाती, अगर नहीं भरती उनका कोई सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद चलती है, तो ये बस आपको छोड़ेगी इसराइली टर्मिनल पे। टू बी ऑनेस्ट, हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ज़्यादा टाइम हमें लगा जॉर्डनियन साइड पे इन कंपैरिजन टू फलस्तीनी और इसराइली साइड। तो वो आपको इसराइल टर्मिनल पर उतारेंगे। अच्छा, उधर इसराइल टर्मिनल पर अनफॉर्चुनेटली जो एलन बाय ब्रिज है, उधर क्यू का कोई निज़ाम नहीं है, लोगों ने बैग उठाने हैं और अपने लोगों ने भाग देना है क्यू में लगने के लिए। अगर आप खड़े भी हैं, लोगों ने साइड से आपको क्रॉस करते करते निकल जाना है, तो क्यू का कोई काम नहीं है। इधर मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर तो आप 2-3 लोग हैं, एक बंदा बस से जल्दी उतरे और भाग जाए क्यू में, क्योंकि इस क्यू में जाके आपने लेने होते हैं सिक्योरिटी टैग्स अपने बैग्स के लिए, जो अपने बैग्स को अटैच कर दें। उस वक्त बैग का आपके साथ होना या इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने होना ज़रूरी नहीं है। तो एक बंदा भागे, बाकी सारे अपने बैग इकट्ठे कर लें, आप जाएं काउंटर पे, उन्हें कहें मेरे 4 बैग हैं, वो आपको 4 टैग दे देंगे, टैग लगा के आप बैग्स को उधर रख दें, और वो फिर कन्वेयर बेल्ट पे जाके वो सारा सिक्योरिटी स्कैन होकर दूसरी साइड पर निकल आते हैं। उसके बाद आप एक सिक्योरिटी लाइन में लगते हैं, मतलब वो एक्सरे मशीन और वो सब, उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। उधर भी अगेन कोई इतना क्यू का निज़ाम नहीं है, अगर आप किसी को उधर 2-4 दिनार दें, तो वो आपको बिल्कुल क्यू के साइड से ले जाता है, बिल्कुल फ्रंट ऑफ द क्यू। तो आप ऐसे भी उधर कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
तो उसके बाद आप निकलते हैं तो क्यू में, मतलब आप उधर निकलते हैं तो आपको अपने बैग्स पिकअप कर सकते हैं। जब इससे पहले जब आप सिक्योरिटी से थ्रू होके इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने लोगों का सुना भी हुआ, पढ़ा भी हुआ है कि 5 घंटे बिठाया, 6 घंटे बिठाया और फिर वापस मोड़ दिया कि एंट्रेंस डिनाई कर दी एंट्री। तो अब जब उधर जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे कि आपने जेरूसलम भी जाना है और आपने इसराइल भी जाना है। कई लोग मतलब कह देते हैं पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए कि हम पैलेस्टाइन जाना चाहते हैं, फ़लस्तीन जाना चाहते हैं, फिर वो आपको वीज़ा वही देंगे जिसमें आप फ़लस्तीनी एरियों में जा सकते हैं, ना आप जेरूसलम में जा सकेंगे ना किसी इसराइली एरिया में जा सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट है आप उन्हें ज़रूर बताएं कि हमने जेरूसलम भी जाना है और इसराइल भी जाना है ताकि आपको वीज़ा अकॉर्डिंगली दें। हमें मेरे ख्याल से उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा हम जेरूसलम जाना चाहते हैं, वीज़ा दे दिया उसने प्रिंट करके। वो टिकट होती है, वो टिकट हमेशा आपने अपने साथ रखनी है, पासपोर्ट आपने हमेशा अपने साथ रखना है। आप जहाँ भी इधर जाएंगे तो अपने बैग पिकअप करें, बाहर निकलेंगे तो या तो आप उधर से एक बस सर्विस है वो जाती है जेरिको, या जेरिको जा सकते हैं या प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, या उधर होती है शेयर्ड शटल। सो शेयर्ड शटल का होता है उधर 45 शेकल्स पर पर्सन, आपका लगेज भी साथ में, सॉरी आपको रफ बता रहा हूँ, लगेज भी आपका आपके साथ है और एक बंदे की टिकट भी। उधर दमस्कस गेट के सामने आपको उतार देते हैं, अगर आपने ओल्ड सिटी में आपका होटल या अपार्टमेंट है उधर से अंदर आ जाएं, वरना टैक्सी लेके जहाँ भी आप जा सकते हैं। वो काफ़ी चीप वर्कआउट करता है कंपेयर टू अगर आपने प्राइवेट टैक्सी लेनी है। और इधर भी जब आप अपना पासपोर्ट, जैसे मैंने कहा साथ रखें, एक दफ़ा पासपोर्ट की चेकिंग भी होती है रास्ते में, जब आप जेरूसलम एंटर कर रहे होते हैं वो पूछते हैं। तो इधर भी अब आप जब आएंगे मस्जिद में भी तो सारी तरफ इसराइली सिक्योरिटी खड़ी होती है, वो पूछते हैं आप कहाँ से हैं और अंदर क्यों जा रहे हैं। तो मुझे लोकल्स ने बताया वो ज़्यादातर ये होता है कि क्योंकि ज्यूइश लोगों को इधर अंदर आने की इज़ाज़त नहीं है तो इसलिए वो ज़्यादातर पूछते हैं आपका रिलीजन क्या है। कई लोगों को खड़े करके उनसे सूरत फातिहा भी पढ़ाते हैं, सूरत इखलास भी पढ़ाते हैं टू मेक श्योर वो मुसलमान ही है जो अंदर आ रहा है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कोई इतनी हमें इधर रोक टोक नहीं हुई, सवाए जब हम हेब्रोन अल खलील गए थे उधर जो इसराइली ऑफिसर था उसने जबरन मेरी सेल्फी स्टिक ले के मेरे से रख ली कि अंदर नहीं जा सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सेल्फी स्टिक का क्या उधर नुकसान करना था, बट एनीवेज मैंने दे दी। तो उस शहर में आपको थोड़ी सी टेंशन फील होगी। उसके अलावा इफ़ यू अपने काम से काम रखें, जो आपका मकसद है इधर, वो जो आपने ज़ियारत करनी है, मस्जिद अक्सा में नमाज़ें पढ़नी है, उसके साथ आप ताल्लुक़ रखें, बिल्कुल जैसे टनल विजन रखें अपनी इधर उधर, या कोई अगर सिक्योरिटी वाला किसी से पूछ गिछ कर रहा है तो आप इन्वॉल्व ना हो, जो आप अपना काम इधर करने आए हैं उस मकसद से रहें। बाकी इतनी कोई हमें अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन या इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी अभी 2 दिन पड़े हैं तो जब आप इधर से वापस जाएंगे, वापसी हमारी टेल अविव एयरपोर्ट से है, जब उधर जाएंगे फिर उधर से आपको बताएंगे। पर ये आप जब जेरूसलम से बाहर जाते हैं जैसे अल खलील या बैतलहम वापस आ रहे होते हैं फिर आपके पासपोर्ट चेक करते हैं, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपना पासपोर्ट और जो वो बॉर्डर पे आपको वीज़ा एंट्रेंस टिकट देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है इसराइल का वीज़ा कितने देर के लिए वैलिड है, तो वो ज़रूर अपने साथ रखें वरना आपके लिए मसला हो सकता है। बट अदर देन दैट जैसे मैंने कहा वीज़ा लेना आसान है, ओल्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते, पर वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ है, तो इसराइल का कोई ऐसा लॉ नहीं है कि पाकिस्तानी इधर आ नहीं सकता या पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला नहीं आ सकता। तो वीज़ा लेना आसान है, बेहतर यह है आप जिस मुल्क में हैं उधर से वीज़ा लेके आएँ, अगर आपके मुल्क में एम्बेसी नहीं है तो किसी और नेबरिंग कंट्री में जाके उधर से वीज़ा अप्लाई कर लें। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है, अगर आप जॉर्डन आए हुए हैं बॉर्डर पर आ जाएँ, कोई इतना टाइम नहीं लगता ना इतना पैसे लगते हैं, तो जैसे उस गार्ड ने मुझे कहा था कि हम वीज़ा दे देते हैं, सॉरी नॉट गार्ड, इमिग्रेशन ऑफिसर, तो हालांकि एम्बेसी वाले ने कहा था नहीं देते, तो शायद दे देते हो, इमिग्रेशन ऑफिसर इधर ग्राउंड पे उसे ज़्यादा पता होगा, तो अब वो ट्राई करते हैं। डेफिनेटली आई मीन आए इधर विज़िट करें, इधर काफ़ी ज़ियारात हैं, उसी जेरूसलम है, मस्जिद अल अक्सा है, और इंसान को क्या चाहिए। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं विद रिगार्ड्स वीज़ा, क्या विज़िट करना चाहिए क्या नहीं, कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट।
के सारे क्वेश्चंस के आंसर करूं। आई होप आई हैवन मिस्ड एनीथिंग आउट। अगर कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दिया तो मैं डोंट वरी, मैं भाग नहीं रहा कहीं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। दैट इज़ इट, थैंक यू जी।